दोस्तों आज की जो वीडियो हमारी है 6 नंबर, उसमें आपको बताएंगे कि प्लेन टी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। कि इस टी का प्रयोग एक सोयल या वेस्ट वाटर पाइपलाइनों में, दूसरी सोयल या वेस्ट वाटर पाइपलाइनों को मिलाने के लिए इस टी का प्रयोग करते हैं। सोयल क्या होता है और वेस्ट वाटर क्या, गंदे पानी को, जैसे बाथरूम का, किचन का, सब पानियों को हम सोयल वेस्ट वाटर बोलते हैं। जैसा हमने आया पानी, उसमें हाथ धोए और वो निकल गया सोयल पानी। तो इस प्रकार से जो प्लेन टी होती है, इसका एक तरफ से हमें लाइन इस तरफ से आई और ये लाइन सीधी जा रही है। इसके अंदर हमने टी लगा के यहाँ पे हमने नैनी ट्रैप लगा दिया। ये नैनी ट्रैप लगा देंगे उसके अंदर, ये प्लेन टी है। ये नैनी ट्रैप क्या होता है, नैनी ट्रैप के अंदर हम किचन के अंदर, बाथरूम के अंदर, सबके अंदर नैनी ट्रैप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनको लगाने के लिए इसका जो गंदा पानी होता है, वो गंदा पानी इन ट्रैपों के अंदर से स्मेल को लेके जाता है। वो टी जो होती है, ये टी लाइन को आगे जोड़ती है, किसी ने एनएच में जोड़ती है या कहीं आगे से आई लाइन उसको जोड़ती है। तो इस प्रकार से हम प्लेन टी का प्रयोग करते हैं, या फिर हम अपनी सैनिटरी फिटिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये अनेक मेटल में उपलब्ध होती है, पीवीसी में है, जीआई में है, या पीपीआर में है, सीपीवीसी में है, अनेक प्रकार की धातु के अंदर इस टी का प्रयोग मिल सकता है। जब हम कॉपर की लाइनें कहीं लगाते हैं, जैसे कॉपर की लाइनें हम कहाँ लगाते हैं, जैसे एसी की कोई फिटिंग करते हैं उसमें टी लगानी है, तो हम कॉपर की लाइन को लगाएंगे। इसी प्रकार से इस टी का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है क्रॉस टी। ओके, थैंक यू।